शौहर से जान को खतरा है, तहफ़ फराहम किया जाए। सेशन कोर्ट में पसंद की शादी करने वाली लड़की तहफ़ के लिए अदालत पहुंच गई। लड़की ने वकील रजिया बीबी की विसात से दरख्वास्त दायर की है। अहम खबर शामिल करते अपडेट करते चले सेशन कोर्ट से, जहाँ शौहर से जान को खतरा है, तहफ़ फराहम किया जाए, ऐसा कहना है लड़की का। सेशन कोर्ट में पसंद की शादी करने वाली लड़की तहफ़ के लिए अदालत पहुंच गई। लड़की ने वकील रजिया बीबी की विसात से दरख्वास्त दायर की। आपको बताएं कि उनकी जानिब से मौकफ सामने आया है कि शौहर मारता पीटता है और तशद्दुद का निशाना बनाता है। इस हवाले से मजीद तफसीला जानते हैं नुमाइंदे लाहौर रंग जैनुल आबदीन से। जी जैन, इस समात के हवाले से अपडेट कीजिए। राबता मुनक़ता हो गया। अहम खबर शामिल करते हैं सेशन कोर्ट से अपडेट करते चलें, जहां आपको बताएं सेशन कोर्ट में पसंद की शादी करने वाली लड़की तहफ़ के लिए अदालत पहुंच गई। लड़की ने वकील रजिया बीबी की विसात से दरख्वास्त दायर की गई है। अहम खबर शामिल करते हैं आपको अपडेट करते चलें, दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि शौहर मारता पीटता है और तशद्दुद का निशाना बनाता है, शौहर से जान को खतरा है, तहफ़ फराहम किया जाए। अहम खबर शामिल करते हैं सेशन कोर्ट से अपडेट करते चलें, जहाँ पसंद की शादी करने वाली लड़की तहफ़ के लिए अदालत पहुँच चुकी है। लड़की का कहना है कि शौहर से जान को खतरा है, तहफ़ फराहम किया जाए। लड़की ने वकील रजिया बीबी की विसात से दरख्वास्त दायर की गई है। मजीद तफसीलात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि शौहर मारता पीटता है और तशद्दुद का निशाना बनाता है। इस हवाले से दोबारा मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग जैनुल आबदीन से। जी जैन, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सेशन कोर्ट में पसंद की शादी करने वाली लड़की उसके लिए अदालत पहुंची। अदालत ने गुलाम फातिमा ने अपने वकील रजिया बीबी की विसात से केस दायर किया था, जिसमें कि उसका कहना यह था कि शोहर मुझ पर जुल्म करता था, मारता पीटता था, तशद्दुद का निशाना बनाता था, शोहर से जान को खतरा है, तहफ्फुज फराहम किया गया, जिसमें कि उसने अदालत ने इस्तदा की है। फिर अदालत की जानिब से जो मुतलका थाने का SHO है उसको उससे उसने रिपोर्ट भी तलब कर ली है, और इस वाक्य के बारे में उसने कहा है कि मजीद अगर इसके खामद की जानिब से कुछ तशद्दुद किया जाता है या ऐसा वाक्य आता है तो वो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार करके अदालत में भी पेश किया जाएगी। गिरफ्तार करके अदालत में भी पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया जैनुल आबदीन तफसीलात से आगाह करने के लिए।